प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने ही YouTube चैनल हर्षित सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10th की मैथ वास्तविक संख्याएं देखेंगे, जिसमें कुछ हम परिभाषाएं देख लेते हैं जिनको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बच्चों हम डॉक्टर मनोहर के बुक से अपना कोर्स लेकर चलेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन हम डॉक्टर मनोहर के करेंगे। बच्चों डॉक्टर मनोहर के बुक से हमें यह फ़ायदा है कि NCERT के सारे क्वेश्चन मनोहर में हैं और मनोहर में अतिरिक्त क्वेश्चन हैं, जिससे हमको अभ्यास करने में आसानी होती है। तो मनोहर के बुक में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, तो हम इसी बुक को लेकर चलेंगे। तो कुछ परिभाषाएँ जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा हमारी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक, ए अनंत तक जाती है। उसके बाद देखेंगे हम पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तब हमें प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमने इसमें शून्य को और जोड़ लिया, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का उदाहरण हमने देखा 0, 1, 2, 3 अनंत तक, -1, -2, -3 ऐसे, -4 इस अनंत तक जाती हैं। तो ये पूर्णांक का उदाहरण है हमारा। इसमें जो धनात्मक संख्याएं होती हैं अर्थात 0 से बड़ी जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं ऐसी संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। बचता है शून्य, तो शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या। के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q≠0, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 3/4, 22/7, -7/3, 0। ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे करड़ी में हमारा 3, करड़ी में
पांच कामा करड़ी में 13, ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या है। और पाई, पाई भी हमारा जो है वह अपरिमेय संख्या है। क्यों हम देखते हैं यहाँ 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पाई का जो सिंबल है यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वह एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। हमने देखा कि परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं। इसमें एक छोटी सी बात है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सभी परिमेय संख्या होती है, अर्थात सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद आता है हमारी वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है और यह पहला चैप्टर है। यहीं से हमारा शुरू होता है हाई स्कूल का। हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/8 माइनस 11/7, ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं और इसके अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो जो रूट में 7 हमारा होगा यह भी वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या। रूट में 11, रूट में हमारा आ जाएगा 3, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गई हमारी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि प्रमेयिका, जो प्रमेयिका शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रमेयिका, जिसको हम प्रमेय भी कहते हैं, प्रमेय, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जा सकता है। प्रमेयिका को समझने के बाद हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 18 और 5, दो पूर्णांक लेते हैं हम, जिसमें जो 18 है वह 5 से बड़ा है। हम 18 में 5 से भाग देते हैं तो हमारा भाग जाएगा 3, 5 × 3 = 15, शेषफल आ जाएगा हमारा 3। इस कथन को, इसको हम एक अन्य प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि 18 = 5×3, जो कि हमारा भागफल है, प्लस में शेष, जो हमारा शेषफल है। इसको हम इस कथन में लिख सकते हैं, को इससे एक कथन प्राप्त होता है, एक कथन प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे चल करके, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। 2 धन पूर्णांक ए और बी लेते हैं, जिसमें ए बी से बड़ा है, तब हम ए में बी से भाग देते हैं। ए में बी से भाग देने पर हमें 2 धन पूर्णांक और प्राप्त होते हैं, Q और R। जैसा कि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य हमारा इसमें है A, भाजक है B और भागफल है Q, प्लस शेष में हमारा है R।
इससे हमको एक कथन प्राप्त होता है a बराबर bq प्लस r। यह जो हमें कथन प्राप्त हुआ है a बराबर bq प्लस r, यह कथन कुछ और नहीं बल्कि इसी कथन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम एल्गोरिथम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो हमारे गणित में एल्गोरिथम शब्द का क्या अर्थ है? एल्गोरिथम किसी भी प्रश्न को हल करते समय जो हमारे चरण होते हैं उन चरणों के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो किन्हीं दो धन पूर्णांक, मान लेते हैं वह धन पूर्णांक C और D है, किन्हीं भी दो धन पूर्णांक का HCF, किन्हीं भी दो धन पूर्णांक का HCF ज्ञात करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। हमारे पास दो धन पूर्णांक C और D हैं, जिसमें C जो है वह D से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यदि हम HCF ज्ञात करते हैं तो हमको तीन चरण से होकर गुजरना पड़ता है। चरण फर्स्ट, हम C में D का भाग देते हैं, अर्थात जो हमारी बड़ी वाली पूर्णांक होती है धन पूर्णांक, उसमें छोटे से हम भाग देते हैं। मान लेते हैं हम भाग देने पर हमें Q और शेषफल R प्राप्त होता है, तब हमें एक कथन प्राप्त होगा C बराबर DQ प्लस R। इसमें हमको ध्यान देना है हमारा जो शेषफल है उसको हमको शून्य बनाना है, शेषफल को हमको शून्य बनाना है। तो पहले चरण में हम भाग देते हैं, यदि R बराबर शून्य आ जाता है तब इन दोनों का अर्थात C और D का जो HCF होगा वह D होगा। लेकिन मान लेते हैं हम कि R शून्य नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तब हम जो शेषफल है उसको वैसे ही रहने देंगे, जो D है D को हम यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारा पहला चरण था, यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा चरण यहाँ से प्रारंभ होता है। भाग देते हैं, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे शून्य आता है तो दो कंडीशन होगी इसको करने पे, या शेषफल शून्य आएगा या शेषफल शून्य नहीं आएगा। जब शेषफल यहाँ पे शून्य आ जाए तो जो R होगा वह C और D का HCF होगा। जब शून्य आ जाए तब मान लेते हैं शेषफल शून्य नहीं आता है, तब इसको हम यहाँ ले लेंगे, भाग देंगे, अर्थात चरण नंबर जो हमारा तीसरा है, हम तब तक ऐसे भाग देते जाते हैं जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता है, और जब हमारा शेषफल शून्य हो जाए उसी टाइम पे जो हमारा भाजक होता है वही C और D का जो होगा वही HCF होगा। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं हम 16 है और 4 है, हमको एक प्रश्न मिलता है कि 16 और 4 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो धन पूर्णांक बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे, फिर उसमें छोटे धन पूर्णांक का हम भाग देंगे।
भाग देंगे तो चार बार जाएगा, चार चौको 16, हमारा शेषफल आ गया 0। शेषफल बराबर आ गया हमारा 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 16 बराबर में 4 गुणे में 4 और प्लस में शेषफल, अर्थात हमारा जो R था वह 0 हो गया। जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तब इसमें 4 और 16 का HCF जो होगा यही हमारा 4 होगा। एक उदाहरण हम और देखते हैं, 420 और 130, 420 और 130 हमारा क्वेश्चन है। 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे, उसमें हम भाग देंगे छोटा छोटे धन पूर्णांक से, तो हमारा इसमें बार जाएगा 3, गुणा करेंगे हम 390, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, शेषफल में आ जाएगा हमारा 30। इसमें क्या है, शेषफल 0 नहीं आया, और जब शेषफल 0 नहीं आता है तब क्या करते हैं हम, तब इस 130 को हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हम फिर भाग देंगे तो 4 जाएगा हमारा 120, हमारा शेषफल आ जाएगा 10। फिर अब भी जो है शेषफल 0 नहीं आया तो हम 10 लिखेंगे, फिर 30 को यहाँ पर लिखेंगे, 10 × 30। अब हमारा शेषफल यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, अर्थात 420 में हम 130 का भाग देते हैं, शेषफल 0 नहीं आता है, 130 को यहाँ पर लेते हैं, फिर भाग देते हैं, शेषफल 0 नहीं आता है, 30 को यहाँ पर लेते हैं, 10 से भाग देते हैं, शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाए उस दशा में जो हमारा भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, अर्थात 420 और 130 का जो HCF है वह कितना है, 10 है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब डॉक्टर मनोहर रे के इस बुक से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और पर डे आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगी। हमारा जो है यह कोशिश रहेगा कि हम आपको पर डे का 2-3 वीडियो दे सकें।